बेबी को जल्दी चलना कैसे सिखाएं। वैसे तो इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें मैंने सिर्फ मालिश के बारे में ही नहीं, मैंने उसमें सारी चीज़ें समझाई हैं कि क्या क्या आपको अपने बच्चे को खिलाना चाहिए और किस तरह से मसाज करनी चाहिए, आपका बच्चा जब पकड़ के चलने लगे तब आपको क्या करना चाहिए, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। लेकिन बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और फिर बार बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम अपने बेबी के जल्दी चलने के लिए क्या करें, या उनका बेबी अभी सिर्फ खड़ा होता है पकड़ के सही से चल नहीं पाता है, या अभी वो पकड़ के खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो सबसे उसमें मेन चीज़ होती है बच्चे की मालिश। बच्चे की मालिश अगर आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आपका बेबी जल्दी चलने लगेगा। और मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर उस वीडियो को देखिएगा तो प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको शुरू से आखिर तक अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ बच्चे की पैर की मालिश के बारे में बता रही हूँ कि बहुत से लोग अगर उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और सिर्फ उनको ये देखना है कि बच्चे की पैर की मालिश किस तरह से करें बच्चे को जल्दी चलाने के लिए, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। कि सबसे पहले आप बच्चे की मालिश इस तरह से करिए कि उसकी गर्दन और बैक बोन अच्छे से मजबूत हो जाए। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी कि बच्चे की गर्दन की मालिश और उसके बैक बोन की मालिश किस तरह से करें कि वो जल्दी से मजबूत हो जाए। क्योंकि जब बच्चा जल्दी बैठने लगता है तो वो जल्दी खड़ा होना भी सीखता है, जब उसकी बैक बोन जल्दी मजबूत हो जाती है तो वो जल्दी से बैठना सीख जाता है और फिर वो जल्दी से खड़ा होने लगता है, बच्चे की गर्दन भी रुकने लगती है। आपका बेबी छोटा है तो आप अपने दोनों पैर को इस तरह से फैला लीजिए और इस बच्चे के सिर की जगह पे आपको कोई कपड़ा लगा लेना है कि उसका सिर नीचे ना हो, ये तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, और इतना कम से कम रहे कि बच्चे का सिर बराबर ने नीचे की तरफ लटके ना। फिर आपको थोड़ा सा तेल ले लेना है अपने हाथों में, इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद बच्चे की पैर को अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, इस तरह से मालिश करनी है। और आपको ये दोनों पैर एक साथ पकड़ना है और एक साथ पकड़ने के बाद आपको पूरा ऊपर थाई से लेके पूरा यहाँ तक नीचे तक अच्छे से मालिश करनी है, इस तरह से, इस तरह से आपको मालिश करनी है। फिर इसी तरह आपको बच्चे को धीरे से पीछे की तरफ पलट देना है और इस यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ होगा, बच्चे की नेक को आप थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा कि उसकी नोज़ दबे ना, जिससे उसे सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, उसका फेस इस तरह से कर दीजिएगा। उल्टे साइड में भी आपको तेल लगा के हिप से पूरे यहाँ पैर तक नीचे तक अच्छे से मालिश करनी है, सेम इसी तरह से दोनों पैर आपको पकड़ के रखना है। दोनों पैर पकड़ने के बाद इस तरह से आपको मालिश करनी है, कम से कम 10 से 15 बार आपको इस तरह से मालिश करनी है। और आप अगर आप बच्चे के पैर की अलग अलग मालिश करेंगी तो आपको बहुत हल्के हाथों से मालिश करनी है, आपको बच्चे के पैर को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से रगड़ना नहीं है कि आप बच्चे के पैर को बहुत ज़्यादा रगड़ें। आप बच्चे के पैर में इस तरह से मालिश कर सकती हैं लेकिन बहुत हल्के हाथों से। अगर आप कस कस के इस तरह से बच्चे के पैर को रगड़ेंगी तो उससे बच्चे की हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, बच्चे का ये हिस्सा जो है पैर का, ये जो हड्डियाँ हैं ये थोड़ी सी गोल हो सकती हैं जिससे बच्चे को चलने में दिक्कत होगी। और हमेशा इस जगह पे नीचे तलवों के हिस्सों में आप तेल लगाने के बाद इसको आप एक अलग अलग भी ले सकती हैं पैर, नहीं कि दोनों पैर आप एक साथ मालिश करें, दोनों पैर भी कर सकती हैं लेकिन इसमें अलग अलग पैर की मालिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तेल लगाने के बाद इस तरह से आपको मालिश करनी है, इससे बच्चे का जो तलवा होता है वो मजबूत होता है जल्दी, और जब बच्चा पैर रखता है तो तलवा बराबर पड़ता है, वरना कुछ बच्चों का तलवा हल्का सा गोल हो जाता है और जब बच्चे पैर रखते हैं तो वो बराबर नहीं पड़ता और बच्चों को इसे चलने में दिक्कत होती है। जब आप इस तरह से मालिश करेंगी बच्चे के तलवे की तो उससे बच्चे का तलवा एकदम मजबूत रहेगा और वो जब पैर रखेगा तो वो सीधा पड़ेगा। मैंने अपने बच्चों की मसाज इसी तरह से की है और मेरे बच्चों का पैर बहुत जल्दी मजबूत हो गया था, मेरी दोनों बेटियां बहुत जल्दी चलना सीख गई थी। मसाज आप कम से कम 2 बार तो करिए ही करिए, अगर आप उससे ज़्यादा बार कर सकती हैं तो अच्छी बात है, वरना 2 बार तो कम से कम आप मसाज करिए। अगर आप गर्मी का मौसम हो तो अगर आप सब जगह की मसाज नहीं कर रही हैं गर्मी की वजह से, कम एक ही बार कर रही हैं, तब भी अपने बच्चे के पैर में आप दोनों टाइम मसाज ज़रूर करिए, सिर्फ पैर में ही मसाज कर दिए, या बहुत ज़्यादा ठंडक है बच्चे के कपड़े को आप एकदम नहीं निकालना चाह रही तब भी आप बच्चे के पैर की मसाज ज़रूर करिए।
जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से अगर आप मसाज करेंगी तो इससे आपके बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बच्चे की बोन बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगी, वो जल्दी से चलना सीख जाएगा।